नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जो ओल्ड पेपर हैं दोस्तों उनमें जो मनोविज्ञान आई वह वो महत्वपूर्ण प्रश्न। कल दोस्तों अपन ने एक पेपर हल कर लिया, आज दोस्तों इसी कड़ी में अपन दूसरा पेपर हल करेंगे। ये मनोविज्ञान के 30 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ये हमेशा अपनी क्लास दोस्तों 8 बजे होती है, इसके बाद 9 बजे भी एक क्लास होती है, वो भी आप लिया करें दोस्तों, जिसमें मैं अभी थर्ड ग्रेड 2013 की भर्ती के सारे मनोविज्ञान के प्रश्न करवा रहा हूँ। और दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तो प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वीडियो। तो यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन है, आप उत्तर देना, आप कितने सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, बच्चे में गामक भाषा का विकास होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बच्चे में गामक भाषा का विकास होता है, तो दोस्तों बच्चे में गामक भाषा का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है, वक्ता, संदेश, संवाद स्रोत या अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है, तो देखिए दोस्तों संवाद का स्रोत है ये अनुभव, संवाद का स्रोत नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों वक्ता जो बोल रहा है, देखिए संदेश ये भी होता है दोस्तों, संवाद स्रोत ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल था, एरिक्सन, स्टेनले हॉल, शिपमैन या स्मिथ। तो किसकी पुस्तक में दोस्तों किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल था, तो दोस्तों स्टेनले हॉल, ध्यान रखना स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल नहीं कहा था दोस्तों किशोरावस्था, किशोरावस्था उफान है, तूफान की अवस्था है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, कोई बच्चा नवीन व्यवहार खोजता है सीखकर, सुनकर, देखकर या अनुभव करके। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, तो देखिए दोस्तों कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो सीखकर खोजता है दोस्तों, सीधी बात है, लर्न करके। नेक्स्ट है दोस्तों, कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, बीमारी, शारीरिक थकान, परिपक्वन, मानसिक थकावट। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है तो वो है दोस्तों परिपक्वता, ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दोस्तों परिपक्वन, ठीक है, परिपक्वता। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है। अधिगम का मुख्य नियम पूछा है दोस्तों, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, अभ्यास का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय ने 3 तो मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे, कुल दोस्तों 8 बताए थे। 3 मुख्य कौन कौन से थे दोस्तों, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभ्यास का नियम है ये दोस्तों मुख्य नियम है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, शिक्षक, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया या शिक्षार्थी। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो देखिए दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी दोस्तों शिक्षा का केंद्र बिंदु है, ध्यान रखना, शिक्षार्थी बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, तो शिक्षार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था, क्रो एंड क्रो, प्याजे, टोलमैन या स्किनर। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही आप सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है, इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर या प्रस्तुतिकरण। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है, तो देखिए दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है, तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण है। बाकी इच्छा शक्ति दोस्तों शिक्षार्थी की होती है, अभ्यास भी शिक्षार्थी पर निर्भर है, बाकी इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है, शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी शिक्षक समाज, शिक्षक समाज या पाठ्यक्रम। तो सीधे से दोस्तों शिक्षण है वो एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें शिक्षक
शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावी बनाता है? उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, शिक्षण विधि का उपयोग, या पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है, यह शिक्षण परिक्रम को देखिए प्रभावहीन बनाता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों प्रभावहीन है, पढ़ने में थोड़ा मतलब फोटो लेते टाइम दोस्तों कट हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? तो पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। ठीक है, उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, शिक्षण विधि का उपयोग, ये प्रभावी बनाता है दोस्तों, और ये पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है, ये प्रभावीहीन बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? सेवा, संगठन, शिक्षा का प्रकार, या परिवार? निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो परिवार। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय, बीमारी, पीड़ा, या स्वतंत्रता? तो देखिए दोस्तों भय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, या किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप, ऑर्थर टी जर्सिड, गेरी स्टेनर, बर्नार्ड बी आर जायसी। तो देखिए दोस्तों, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, यह कहा था दोस्तों ऑर्थर टी जर्सिड। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है? उत्तर प्रौढ़ता, पूर्व प्रौढ़ता, पूर्व किशोरावस्था, या शेषव? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व प्रौढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पूर्व प्रौढ़ता अवस्था है, इस अवस्था में लड़की की मतलब सगाई करना, लड़की को मतलब अगर उसकी सगाई कर दी है, शादी कर दी है, तो उसको एडजस्ट होना अपने पीहर ससुराल आदि में, तो इस कारण दोस्तों ये है, ये मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देने वाली अवस्था होती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें एडजस्ट करना लड़की के लिए थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अग्रिम व्यवस्था, जांच प्रशिक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, या अभिकर्मित अधिगम? तो देखिए दोस्तों 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्रिम व्यवस्था। ठीक है, इसको दोस्तों परदत्त संगठन प्रतिमान भी बोलते हैं, और ये डेविड आशुबेल ने दिया था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बताऊं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, बालक को पढ़ाए जाने वाले विषय की प्रस्तावना हेतु काम में ली जाने वाली अधिगम सामग्री, जिसे उस पाठ या प्रकरण से पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये अग्रिम व्यवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर, शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा है? लुम्सडेन, गेट्स, कोल्विन, या लेगफील्ड? तो देखिए दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लुम्सडेन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक? तो देखिए दोस्तों, शिक्षण सूत्रों का आधार है वो मनोवैज्ञानिक होता है। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। देखिए दोस्तों, एक आध प्रश्न यदि हो जाए गलत, तो ज़्यादा आप ऐसे मत सोचना, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो, पर मात्र एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाए, क्योंकि बोलने में, देखने में कई बार, और दोस्तों पढ़ते टाइम ऐसे हो जाता है कई बार, तो आप प्लीज़
कॉम्प्रोमाइज़ क्या करें, ऐसा लगे आपको तो कमेंट कर दिया करें, क्योंकि पता चल जाता है जहाँ गलती होती है, तो आप भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर अपन देख करके उसका नेक्स्ट डे बता देंगे उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 19 का राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर उपागम। 20 नंबर है दोस्तों, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना, मात्र ज्ञान, मात्र अभिवृत्ति, ज्ञान व अभिवृत्ति या अनुभव। तो दोस्तों ज्ञान व अभिवृत्ति क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ज्ञान व अभिवृत्ति। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज, विद्यालय, परिवार आदि में पूर्ण होती है। 22 नंबर है दोस्तों, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, अधिगम पूरा होना। तो देखिए दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा क्षमता का विकास। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थियों को सीखने के लिए करता है गृह कार्य देकर, यानी प्रेरित करता है, कक्षा कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, या इन सभी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा द, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है, भय, क्रोध, चिंता या आशा। नकारात्मक संवेग की बात हो रही है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आशा नहीं है नकारात्मक संवेग, बाकी ये नकारात्मक संवेग है। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चे में स्वेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से, पीड़ा से, भय से या उत्तेजना से, बच्चे में स्वेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों क्रोध से होता है। नेक्स्ट है, के मैकनिन द्वारा बच्चे पर किए गए अध्ययन के अनुसार दूसरों से मिलने में झिझकते हैं, वे जिससे संबंधित होता है वह साधारण वर्ग, प्रत्याहार वर्ग, अनुरूपता, अनिश्चित वर्ग। तो देखिए दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार वर्ग, क्या हो जाएगा, प्रत्याहार वर्ग। 27 नंबर है दोस्तों, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरमतम बिंदु जिस आयु में होता है, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष। तो देखिए दोस्तों बुद्धि की अभिवृत्ति का चरमतम बिंदु जिस आयु में होता है वो है दोस्तों 16 वर्ष, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों बुद्धि का विकास तो 25 वर्ष की आयु तक चलता रहता है धीरे धीरे, लेकिन दोस्तों परिपक्वता तक, लेकिन दोस्तों बुद्धि की अभिवृद्धि का चरमतम बिंदु दोस्तों 16 वर्ष की आयु तक होता है, यानी जितना विकास होना होता है 16 वर्ष तक हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाद में दोस्तों कुछ पॉइंटों में वातावरण वगैरह के द्वारा उसमें मतलब कुछ पॉइंट तक बढ़ाई जा सकती है बुद्धि। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसे वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह कथन देने वाले हैं ई ए पील, गेट्स तथा अन्य, बर्नार्ड या गेरी स्टेनर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ए पील। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा से प्रोत्साहित नहीं होता, धीमी गति से सीखना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, चरित्र निर्माण या मानसिक विकास। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न डिलीट किया गया RPSC के द्वारा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी होती है, 90, 95, 101 या 110। तो देखिए दोस्तों 95 होती है, कितनी होती है, 95, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या 95। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।